नमस्कार दोस्तों, आरसीएन जॉब न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में विभिन्न भर्तियों से जुड़ी ताज़ा खबरें होती हैं जो अभ्यर्थी जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण होती हैं। भर्तियों से जुड़ी ताज़ा खबरें सही और सटीक, सबसे पहले सही और सटीक जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें, अधूरा नहीं। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें और बेल आइकन को जब भी दबाएं तो ऑल पर सेलेक्ट करना मत भूलें, जिससे हम कोई भी वीडियो अपलोड करें आपसे संबंधित उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए और वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ। तो आइए आज की ताज़ा खबरों के बारे में जान लेते हैं। आज की पहली ताज़ा खबर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के संबंध में है। जिन अभ्यर्थियों का चयन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा एलटी ग्रेड शिक्षक पद पर किया गया है, उन सभी अभ्यर्थियों को किस जिले में तैनाती मिल सकती है, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अपर निदेशक माध्यमिक डॉक्टर महेंद्र देव ने एलटी ग्रेड के नौ चयनित शिक्षकों की तैनाती पिछड़े जिलों में करने की पुष्टि कर दी है। और पिछड़े जिले कौन कौन से हैं? पिछड़े जिले चंदौली, सोनभद्र, चित्रकूट, फतेहपुर, गोंडा, बलरामपुर, बहराइच और श्रावस्ती हैं। और इन जिलों में कोई अभ्यर्थी जाना नहीं चाह रहा है, लेकिन मजबूरी है, जब आदेश हो गया है और अपर निदेशक माध्यमिक डॉक्टर महेंद्र देव ने इसकी पुष्टि कर दी है कि जितने भी चयनित अभ्यर्थी हैं उनको पिछड़े जिलों में ही भेजा जाएगा, तो आप कुछ नहीं कर सकते, बस धैर्यपूर्वक उस जिले में जाकर आप ज्वाइनिंग करें। अगर आपका घर है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो कोई बात नहीं, रहते रहते जब आप रहडर हो जाएंगे, वहाँ के निवासी हो जाएंगे एक प्रकार से, तब आपको अच्छा लगने लगेगा, वहाँ लोगों से व्यवहार हो जाएगा तब भी आपको अच्छा लगने लगेगा। इसलिए आप सभी धैर्य बनाए रखें, कोई भी जिला हो बेटर है, नौकरी तो मिल गई। आज की दूसरी ताज़ा खबर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीए 2018 मुख्य परीक्षा के संबंध में है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीए 2018 मुख्य परीक्षा के समान हिंदी प्रश्नपत्र में काफ़ी अशुद्धियाँ रहीं, उसकी ओर किसी का ध्यान नहीं गया। भाषाविद समीक्षक डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे ने प्रश्नपत्र में अनेकों अशुद्धियों को उजागर किया है। डॉक्टर पांडे बताते हैं कि प्रश्नपत्र में अधिकतम अंक दिया गया है जबकि पूर्णांक होना चाहिए, तभी पूर्णांक प्राप्तांक की सार्थक शब्दावली बनती है। इसके पहले प्रश्नपत्र में एक गद्यांश दिया गया है जिसमें लिंग और विराम चिन्हों का अशुद्ध प्रयोग किया गया है, जैसे जो उसकी आत्मा के स्थान पर जो उसके आत्मा का प्रयोग होगा, क्योंकि आत्मा पुल्लिंग है, जो उसकी आत्मा से पूर्व अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग होगा, जो उसके हृदय को के पूर्व अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग होगा, छोटे छोटे संकीर्ण स्वार्थों का प्रयोग अनुचित है, क्योंकि संकीर्ण शब्द में ही लाघों का भाव है। आज की तीसरी ताज़ा खबर आरजेएस भर्ती परीक्षा के इंटरव्यू तिथि को लेकर है। आरजेएस भर्ती परीक्षा परिणाम को लेकर चल रही भ्रामक खबरों पर राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन ने स्पष्टीकरण जारी किया है। रजिस्ट्रार जनरल ने बताया कि कुछ न्यूज चैनल व सोशल मीडिया पर यह खबर चल रही थी कि प्री परीक्षा में 3,670 अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया गया है, जबकि मुख्य परीक्षा में 4,017 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि प्री परीक्षा में 27,776 अभ्यर्थी बैठे थे, जिनमें से पहले 3,291 उत्तीर्ण घोषित हुए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रिवाइज रिजल्ट में 3,670 अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए योग्य पाया गया। इनके अतिरिक्त 5 शारीरिक विकलांग अभ्यर्थियों को भी शामिल किया गया है। कुल 3,675 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में शामिल किया गया है। अब पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 9 नवंबर 2019 से इंटरव्यू शुरू होंगे, तो आपकी इंटरव्यू की तिथि 9 नवंबर 2019 निर्धारित की गई है। तो जितने भी अभ्यर्थी आरजेएस भर्ती परीक्षा के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, वे सभी ध्यान रखें कि 9 नवंबर 2019 से इंटरव्यू प्रक्रिया शुरू होगी, और जो भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं इस पर आप ध्यान ना दें। आज की चौथी ताज़ा खबर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की आरओ भर्ती परीक्षा 2017 के परिणाम को लेकर है। अभ्यर्थियों के मन में संशय है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा क्या आरओ
और एआरओ भर्ती 2017 का परिणाम एक साथ जारी किया जाएगा या अलग अलग जारी किया जाएगा। तो इसके संबंध में जो सूचना प्राप्त हुई है आइए जान लेते हैं। सूचना के अनुसार आरओ भर्ती परीक्षा 2017 का परिणाम पहले जारी किया जाएगा। आरओ भर्ती 2017 का परिणाम पहले जारी किया जाएगा, एक साथ जारी होने की संभावना नहीं है। सूचना के आधार पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 15 नवंबर 2019 तक आरओ 2017 का परिणाम जारी कर दिया जाएगा। 15 नवंबर 2017 तक आरओ 2017 का परिणाम जारी कर दिया जाएगा। तो आज की यही खबर थी, जो भी जानकारी होगी आरओ भर्ती से संबंधित आपको दी जाएगी। आज की पांचवी ताज़ा खबर बिहार की है। बिहार में प्रेरक सम्मेलकों ने धरना प्रदर्शन किया और मांगे ना पूरी होने पर आत्मदाह की चेतावनी दी। बकाया मानदेय भुगतान व समायोजन की मांग को लेकर अखिल भारतीय साक्षर मिशन कर्मी महासंघ के नेतृत्व में प्रेरक समन्वयकों ने बुधवार को गर्दनीबाग धरना स्थल पर धरना प्रदर्शन किया और मांगे ना पूरी होने पर सामूहिक आत्मदाह की चेतावनी दी। महासंघ के प्रदेश सचिव इंद्रभूषण कुमार ने कहा कि 9 दिनों के अनशन के बाद भी सरकार उनकी मांगों पर विचार नहीं कर रही है। मंगलवार को शिक्षा विभाग की संयुक्त निदेशक वर्षा सहाय से वार्ता हुई। इसमें निदेशक ने स्पष्ट रूप से कहा कि वह इन मांगों पर कुछ नहीं कर सकती हैं। उन्होंने सरकार पर मामला टाल दिया। इससे आहत होकर प्रेरक समन्वयक आत्मदाह करने पर मजबूर हुए हैं। अनशन पर बैठने वाले मोहम्मद मेराज हसन, राम दहिन राम और मुन्नी कुमार, सूरमणि कुमार आदि ने कहा, अगर सरकार मांगे जल्द से जल्द नहीं पूरा करती है तो हम सभी सामूहिक आत्मदाह करेंगे। तो अब देखना होगा कि सरकार इस पर क्या विचार करती है। जो भी जानकारी प्रेरक के संबंध में होगी आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। आज की छठवीं ताज़ा खबर उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती कट ऑफ मामले को लेकर लखनऊ खंडपीठ में विचाराधीन है। 22 अक्टूबर 2019 को सुनवाई हुई। अगली सुनवाई की डेट 6 नवंबर 2019 निर्धारित की गई है। लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में एक बड़ी खबर निकल के आ रही है जिसे सुनकर आप परेशान भी हो सकते हैं और कुछ लोग खुश भी हो सकते हैं। जो सूचना प्राप्त हुई है उसी सूचना के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि फैसला 40% और 45% के पक्ष में आने वाला है। फैसला 40% और 45% के पक्ष में आने वाला है। अब इसमें कितनी सत्यता है यह तो समय आने के बाद पता चलेगा। आपकी क्या राय है इस संबंध में, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें। आपकी राय हमारे लिए अति महत्वपूर्ण रहेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलें।